नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। लेटे हुए हनुमान मंदिर का नाम आपने सुना होगा, यहीं से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल तौफीक नाम का एक शख्स माथे पर टीका लगाकर और जय श्री राम के नारे लगाता हुआ अंदर घुसा और उसके बाद उसने हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया, उसको तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। वैसे आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि आखिर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है और सीएम योगी की पुलिस इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही है। आपको बताते चलें, गोमती नगर स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर में ये मुस्लिम शख्स घुसा और इसने तोड़फोड़ की। चूंकि ये माथे पर टीका लगाकर घुसा, जय श्री राम के नारे लगाता हुआ घुसा, तो इसे किसी ने नहीं रोका। उसके बाद अंदर घुसते ही सबसे पहले इसने शनिदेव की मूर्ति को खंडित किया और उसके बाद सीधे पहुंच गया हनुमान जी की प्रतिमा के पास और उसको भी खंडित करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। हालांकि जिस टाइम ये सारी चीजें कर रहा था, लोगों ने इसको देखा, पकड़ लिया, इसको मारा पीटा गया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है तौफीक अहमद के खिलाफ लखनऊ के थाने में 153A, 295, 419 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूछताछ की जा रही है तौफीक से कि उसने किस मंशा से आखिर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका यही कहना था कि बिल्कुल नॉर्मली ऐसे घुसा जैसे कि दर्शन करने के लिए जा रहा है, लेकिन बाद में इसने अपने मंसूबों को अंजाम दिया। बहरहाल फिलहाल शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, इसके खिलाफ जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है। जो भी अपडेट इस पर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।